अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप अपने घर खैर खैरियत से होंगे। तो आज का लेक्चर शुरू करते हैं। ये कैनवा का 8 लेक्चर और ये कैनवा का कोर्स चल रहा है कंप्लीट। अगर आप बिगनर्स हैं और पूरा कंप्लीट कोर्स करना चाहते हैं तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो आज का जो मेरा लेक्चर है कोर्स कैनवा के हवाले से, वो है फॉन्ट। कैनवा के डिफरेंट फॉन्ट्स जो अमेजिंग, जिसका आपको मतलब प्रॉपर मैं आपको बिल्कुल कंप्लीटली गाइड करूंगा कि आप उनका यूज़ कहाँ कहाँ कर सकते हैं, ज़्यादातर कौन से फॉन्ट्स यूज़ होते हैं। और आपको अगर आपको नहीं समझ आ रही कि आप किस जगह क्या यूज़ करें, तो मैं आपको सारा अभी डिटेल से कुछ बताऊंगी जो उनसे मेन है वो, और वो आपको सिंपल कैनवा प्रो की ज़रूरत नहीं है, आपको इजीली मिल जाएंगे। तो अब हम सबसे पहले शुरू करते हैं। मैंने यहाँ पे सिंपल से एक कैनवा की पोज ले, उसके ऊपर कुछ लिख दिया है ताकि आपको डिफरेंट फॉन्ट्स ट्राई करके बताऊँ। तो सबसे पहले जो सबसे पहला फॉन्ट है जिसके बारे में आपको बताऊँगी, वो ओपन सेंस। तो सर्च करते हैं यहाँ पे ओपन सेंस। तो ये देखिए हमारे पास आ गया है। इस फॉन्ट की जो जो अहमियत है, जो मतलब इम्पोर्टेंस है, वो ये है कि ये रीडेबल है। मतलब हम इसको कहीं भी यूज़ करें तो ये इजीली रीडेबल हो जाएगा। हम इसको पढ़ सकते हैं किसी भी पोर्ट्स पे, इसको यूज़ करें तो देखें ये सिंपल सा है, आप इसको इजीली पढ़ लेंगे। ओके, तो ये मैंने इसको बोल्ड से हटा दिया, ये बोल्ड पे था इसी वजह से आपको बड़ा नजर आ रहा था। अब दिस इज ओपन सेंस और ये आपको हर जगह आप इसको पढ़ सकते हैं, रीडेबल है। इसके अलावा आप इसको नेचुरल न्यूट्रल हर जगह यूज कर सकते हैं, ये नेचुरली नजर आता है और अपनी इम्पोर्टेंस आपको इजीली आप पढ़ सकते हैं इसको। और दूसरी ये इसकी इम्पोर्टेंट बात ये है कि आप इसको बिजनेस, फैशन, मेकअप, टेक्निकल हर जगह यूज कर सकते हैं, किसी भी पोस्ट पे, चाहे वो फैशन की है, बिजनेस की है, आप इसको ये यूज कर सकते हैं। सिंपल सा है, न्यूट्रल सा, और ये इजीली रीडेबल भी है। तो ये मेरे ख्याल से एक बेस्ट है फॉन्ट्स, कैनवा पे इजीली आपको अवेलेबल हो जाएगा सिंपल में। और जो दूसरा फॉन्ट मैं इसके बारे में आपको बताऊंगी वो है सिग्नेचर। आपको कहीं पोस्ट पे सिग्नेचर की जरूरत पड़ती है हैंड रिटन कॉन्टेंट के लिए, तो आप इसके लिए ये वाला फॉन्ट यूज कर सकते हैं। इसको मैं यहाँ पे सर्च करते हैं सिग्नेचर। तो ये देखिए ये सिग्नेचर फॉर्म में लिखा आ गया है। आपको कहीं हैंड रिटन कंटेंट के मतलब कहीं आप चाहते हैं कि आपका लिखा हुआ आए, अच्छा लगे, तो आप ये, तो मैंने ऐसे हाउ आर यू लिखा हुआ है, तो अगर आपने साइन कहीं करना चाहते हैं तो आप सिग्नेचर यूज कर सकते हैं। इसके अलावा और भी डिफरेंट सिग्नेचर के हैं, और ज़्यादा नेचुरल लुक देने के लिए डिफरेंट स्टाइल हैंड रिटन, आप कोई भी इसमें से क्लिक कर सकते हैं, आपको इजीली कैनवा पे अवेलेबल है। मेरे ख्याल से ये बेस्ट। और ये देखें तो आपको ये नज़र नहीं आ रहा, तो ये देखिए काफ़ी बेस्ट है ये। इसको मैं थोड़ा सा जूम भी कर देती हूँ। ओके, हो गया। इसके अलावा जो थर्ड फॉन्ट है जिसके बारे में मैं बताऊंगी वो है ब्लड ड्रॉप। सर्च कर लेते हैं। सॉरी, ब्लड ड्रिप, ब्लड ड्रॉप नहीं, ब्लड ड्रिप। और ये देखिए ये आ गया, चारा चंदन ब्लड। और ये देखिए कितना एस्थेटिक लुक दे रहा है ये। और इसको आपके भी मतलब ड्रामेटिक इफेक्ट देने के लिए, अगर आपको जैसे कि आपने ड्रिपिंग इफेक्ट बनाना होता है किसी एप्पल का या किसी भी चीज़ का, आपको बहुत मेहनत करनी पड़ती है। लेकिन यहाँ कैनवा पे अगर आप अल्फाबेट्स में कहीं आपने ड्रामेटिक इफेक्ट देना, पोस्ट पे कहीं भी आपकी कुछ ऐसी स्टोरी, आप उसका थंबनेल बनाना चाहते हैं, कोई हॉरर सी चीज़ है, तो आप उसका ऐसे इजीली दे सकते हैं, इसको हॉरर बना सकते हैं। इसका बैकग्राउंड में मैं आपको जैसे कि ये देखिए तो पूरा ब्लैक हो गया, ऐसे करके आप इसको कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। ये बेस्ट है हॉरर
के लिए, ड्रामेटिक के लिए आप यूज़ कर सकते हैं ब्लड ड्रिप। ये हो गए 3 फॉन्ट्स। और इसके अलावा मैं फोर्थ फॉन्ट्स आपको बताऊंगी, वो है लियाना। लियाना सर्च करते हैं। ओके, तो यहाँ हमारे पास लियाना आ गया। लियाना आप खुद भी देख सकते हैं, ये फॉन्ट स्टाइलिश सा है और काफ़ी अच्छी लुक दे रहा है। तो आप इसको फैशनेबल स्टाइलिश पोस्ट में यूज़ कर सकते हैं, जैसे आपने किसी अपने कपड़ों की जगह आपकी है, या कोई आपने कोई ब्रांड है और उसके अपने पोस्ट बनाए, तो उसके लिए आप ये स्टाइलिश सी अच्छी सी मेकअप वगैरह के लिए ऐसे फोन यूज़ कर सकते हैं। रुक के अगर इसका कलर चेंज कर देते हो, अगर आपको इतना समझ नहीं आ रहा, तो ये देखिए कितना अच्छा लग रहा है। ये स्टाइलिश या एस्थेटिक है, और आप इसको यूज़ कर सकते हैं अपने पोस्ट बनाने के लिए, फैशनेबल स्टाइलिश ऐसे कहीं भी मेकअप वगैरह में ये बहुत ही अच्छा लगेगा। ठीक है, तो उसके अलावा अब हम आगे चलते हैं। ये 4 फोन्स हो गए, और मैं आपको फिफ्थ जो है वो बताती हूँ, और वो है लाटो। लाटो को सर्च करते हैं। ये देखिए हमारे पास लाटो आ गया। लाटो जो फोन है ये देखिए सिंपल सा है, और ये प्रोफेशनल तरीके, प्रोफेशनल जगह जैसे कि वेबसाइट्स, कॉरपोरेट और फॉर्मल सी जगह पे यूज हो जाता है। ये ज़्यादातर वेबसाइट पे आपको नजर आएगा, सिंपल सा फोन है। तो आप इसको, आपको ये वेबसाइट, कॉरपोरेट और फॉर्मल किसी पोस्ट पे आप इसको यूज़ कर सकते हैं। देखिए सिंपल सा ही है ये, और इसका इसका बोल्ड भी आप यूज़ कर सकते हैं, वो भी काफ़ी अच्छा, आपको भी हेडलाइन बनाने के लिए। तो आप ये हेडिंग के लिए आप ये यूज़ कर सकते हैं अपने असाइनमेंट्स वगैरह, प्रेजेंटेशन वगैरह में। अगर आपने यहाँ कुछ बनानी है, या कुछ भी अपने वीडियो में कोई थंबनेल में कुछ में देना, तो आप ये लेटर और बोल्ड यूज़ कर सकते हैं। उसके अलावा जो मैं नेक्स्ट फॉन्ट्स के बारे में आपको बताऊंगी, वो है हेटिच कट। हाय, ये देखें आ गया। आपको सारे ये कैनवा पे अवेलेबल हो जाएंगे, मिल जाएंगे इजीली। आपको इसके लिए प्रो की जरूरत नहीं है। अगर मैं आपको जो भी बता रही हूँ वो कैनवा प्रो के नहीं है, वो सिंपल आपको कैनवा पे अवेलेबल हो जाएंगे। आपको इसके लिए कोई मेहनत करने की या पैसे लगाने की जरूरत नहीं है, इसलिए मैंने यहीं से ढूंढ के बताए हैं कि आपको मुश्किल ना हो। और ये फोन्स मैं आपको इसीलिए भी बता रही हूँ, बल्कि मैं आपको एंड में बताऊंगी इस फोन्स के बारे में। मैं आपको बताती चलूँ कि ये कहाँ कहाँ यूज होता है। कॉमिक बुक में, कार्टून और एनिमेटेड मूवीज में भी आपने देखा। फनी मतलब किसी आपने फनी पोस्ट बनानी है, थंबनेल बनाना है, तो उसके लिए आप ये फनी जगह पे यूज हो जाता है ये वाला फोन। आप देखेंगे ड्रामे बच्चों के लिए फनी सा, ताकि बच्चों को अच्छा लगे, कुछ बड़ा कुछ देखें। और ये बहुत ही प्यारा है, मतलब ये फनी तरीके से ड्रामेटिक को चीजों में और कॉमिक बुक में ये वाला यूज होता है। आपने इसे मूवीज में भी, एनिमेटेड मूवी में भी देखा होगा आपने इसको। और इसके अलावा नेक्स्ट जो हम चलते हैं, मैं आपको बताऊंगी भी सही कि ये मैं आपको क्यों बता रही हूँ ऐसे फोन, और आप को कैसे, अगर आपको नहीं, ये वाले वीडियो आपको नहीं भी याद रहता, और आप नोट कर लें, पहली बात तो ये आप नोट कर लें। उसके अलावा अगर आप ये नोट नहीं कर रहे, तो मैं आपको दूसरे भी तरीका बताती हूँ, जिसके जरिए आप इजीली अपने पोस्ट के, आपने कौन सा फोन यूज़ करना है वो आपको पता चल जाएगा। इससे नेक्स्ट जो बढ़ते हैं वो है लिब्रा। लेब्रे बास्केटबिल, ये जो है फोन, ये यूज होता है लोगो बनाने के लिए। देखिए कितना प्यारा सिंपल सा है, ये लोगो बनाने के लिए यूज होता है। अगर आपने कोई भी लोगो बनाना है तो आप इसको यूज कर सकते हैं। इसको बड़ा सा, जैसे कि मैं आपको भी एडिट भी करके बता देती हूँ कि आप ने कोई भी लोगो बनाना, जैसे SH ये आपने लोगो बनाना है। और ये देखिए काफ़ी इसका एच ऐसे करके आप इसको बना सकते हैं, सिंपल सा
के देखिए कितना डार्क और प्यारा सा लगेगा। और इसके पीछे आप कुछ भी कलर दे दीजिएगा आपका इजीली, या आप लोगो बनाने के लिए कोई भी एक आपने यूज करना है या इसके साथ कोई दूसरा भी यूज करना है तो आप ये बना सकते हैं, या आप ये बेस्ट रहेगा। अब मैं इसको छोटा कर देती हूँ ताकि मैं और शॉर्ट्स भी ट्राई कर सकूं। तो आपने मुझे कमेंट बॉक्स में बताना भी है कि हाउ आर यू, आप कैसे हैं। अच्छी बात तो यह है कि आप लोग खुश ही रहें अपने हालात में। तो ओके, तो आगे बढ़ते हैं। ये कुछ 6-7 फोट जो मैंने आपको बताए हैं जो आप यूज़ कर सकते हैं लोगोज में, कार्टून्स में, वेबसाइट्स में, स्टाइलिश में, और ड्रामेटिक इफेक्ट और सारे बिजनेस वगैरह के लिए मैंने आपको सारे फोन्स बता दिए। और अब आपको अपना पर्सनली जो मेरा फेवरेट फोन है वो आपको बताने लगी, और मैं पहले भी पोस्ट में बता चुकी हूँ, मैं यूज़ करती रहती हूँ और मुझे मेरा बहुत फेवरेट, और मैं ज़्यादातर वही अब प्रेफर करती हूँ अपनी पोर्ट्स वगैरह बनाने में, और वो है डग डागा लीन, डागा लीन या गागा लीन, आप उसको जो भी कहते हैं। और ये देखिए, अब उसको देखिएगा, ये देखिए और टफ वॉट, मुझे अभी भी ये यही बेस्ट, सबसे वो बेस्ट मतलब एस्थेटिक सा है, ड्राइंग सा, कुछ रफ सा, इसलिए मुझे मेरा ये फेवरेट। और आप देख भी देखेंगे अभी मैं ज़्यादातर यही यूज़ करती हूँ, देखिए। और आपने भी मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है कि आपका फेवरेट फोन कौन सा है जो आप यूज़ करती हैं, जो आपको अच्छा लगता है। जैसे मुझे ये अब हर पोस्ट में मुझे अच्छा लगता है, हर पोस्ट में मैं ये फिट कर लेती हूँ क्योंकि पसंद जाहिर है। तो आपको भी कोई ना कोई होगा तो आपने मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है कि आपका फेवरेट कौन सा, और मैं आपको रिप्लाई भी ज़रूर करूँगी। अच्छा बताऊँगी कि अगर मैंने आपको पहले बताया था कि आपको बताऊँगी कि ये अगर आपके पास ना हो, आपके पास कोई याद ना हो कि आप कैसे यूज़ करो, आपने जल्दी भी कोई पोस्ट बनानी है, आप चाहते हैं कि बस जल्दी से मुझे पता लग जाए कि इसके पे कौन सा अच्छा लगेगा, तो उसके लिए एक दूसरा तरीका है। तो ये जैसे हम डिज़ाइन में जाते हैं और आपने कोई भी पोस्ट बनानी है, जैसे कि आपको पास पोस्ट है कि आपने किसी ड्रेसेस की बनानी है, मतलब ड्रेसेस की एड्स ऐसे, मतलब मैंने कट दिया कि पोस्ट आ जाएंगे इसीलिए। तो अब देखें, आपने इसमें देखना है कि इसमें कौन सा फॉन्ट यूज हुआ है, ये देखें आपने ये नोट कलर मूनलाइट, आपने ये ड्रेसिंग के लिए स्टाइलिश है, अगर आपने कोई ड्रेसिंग के बनाने तो उसके आप ये वाला यूज कर लें, जल्दी से आप देख लें, देखिए ये वेडिंग ड्रेस में, देखिए इसमें भी आपने नोट कर लेना है इस पर क्लिक करके कि ये कौन सा फोन इसमें यूज़ किया, और आपने जल्दी से अपने बॉस ने यूज़ कर लेना, इसमें आपको टाइम नहीं लगेगा। वो तो एक दूसरा तरीका कि आपको पता है, ये देखें अलिम आपने ये जल्द से यूज़ करा। इसके अलावा आपने कोई और पोस्ट बनानी है जैसे एजुकेशन के रिलेटेड तो उसमें सिंपल ही यूज़ होते हैं, जैसे ये तो स्टाइलिश था ना, इस वजह से इसमें स्टाइलिश ही आए। अब देखें ये एजुकेशन है, एजुकेशन में देखें सिंपल से, इसमें सिंपल से ही यूज़ होंगे और काफी अच्छी पोस्ट है ये बार्लू बोल्ड। और ये देखें आपने ये यूज कर सकते हैं, आपने हर किस्से पे इसने क्लिक किया और वही स्माल वही बोल्ड वही यूज किया, इसलिए आप कोई भी पोस्ट आपने देखनी है और आपने जल्दी से आपने देख लेना कि वहाँ पे कौन से फॉन्ट यूज किया, वो नोट कर लेना अपने पास, और आपने जल्द से वो सर्च करके आपके पास आ जाएंगे और आपने वो यूज कर लेना। ये हो गया आसान तरीका जल्द से पोस्ट लाने का। और इसके अलावा जो मैंने आज की वीडियो में मैंने दूसरी बात बतानी है वो है फॉन्ट कलर कम्बिनेशन, मतलब आपने कुछ लिखा है, अब जैसे ये आपको मैं ऐसी मिसाल के इसको तो सबसे पहले डिलीट कर दे रहा क्योंकि ये क्या बता रहे हैं कि कैनवा प्रो के लिए हमें चाहिए भी नहीं है। मैं आपको बस ये बता रही हूँ कि अगर आपका फॉन्ट यूज़ करना आ गया बेस्ट कौन सा, आपको सब पता चल गया कि मेन है, उसके अलावा आपको कलर कम्बिनेशन का भी पता होना चाहिए कि आप जहाँ यूज़ करें वो वहाँ पे प्रॉपर विजिबल भी है कि या नहीं। जैसे कि देखिए इसमें इन्होंने ब्लैक और ब्लू यूज़ किया, वाइट के पीछे अच्छे लग रहे हैं, मतलब आपको समझ आ रही है कहीं, अगर आप इसको देखेंगे तो आपको इजीली आप इसको पढ़ सकते हैं। जैसे कि देखिए
लेकिन देखें, अगर यही पोस्ट हो और किसी ने इसी पोस्ट पे मतलब उसको कलर सेंस ना हो या वो जल्दी में वो ये वाला का यूज़ कर ले, देखें ये भी लोग यूज़ कर सकते हैं और लोग करते भी हैं। गूगल पे आपको इसकी बहुत सी एग्जांपल्स मिल जाएंगे, कुछ पोस्ट आपको कहीं नज़र आते हैं तो वो बिल्कुल भी अच्छे कलर यूज़ नहीं करते, तो पढ़ा भी नहीं जा रहा था कि इसने क्या लिखा हो। जैसे कि इसमें अगर सुनिए हम ब्लू यूज़ किया होता तो देखें बिल्कुल पता नहीं चल रहा कि कैसे यूज़ कैसा उन्होंने यूज़ किया और कैसा सब लग रहा है। तो इस वजह से ये ज़रूरी है कि आपको प्रॉपर पता हो कि अगर आप कोई कलर यूज़ कर रहे हैं कि उसके ऊपर कौन सा बेस्ट लहर रहेगा। और मैं आपको बता भी चुकी हूँ कि एक पोस्ट में तीन तीन मतलब कलर मैक्सिमम यूज़ होने चाहिए ताकि आपकी पोस्ट अच्छी लगे, ना कि ज़्यादा। अगर आप ज़्यादा करेंगे तो लोग इतने लोगों के लिए मतलब इतने ज़्यादा कलरफुल भी होना ज़रूरी नहीं है। अट्रैक्टिव करने के लिए आपको सिर्फ तीन मतलब मैक्सिमम चाहिए होते हैं कलर, तो उसके लिए आपको पता होना चाहिए। तो उसके लिए मैंने ये हैं जो एक प्रोफेशनल तरीके से कलर यूज होते हैं जिससे आपको जरूरत नहीं है इतने ज्यादा चीजों में पढ़ने के। आप सिंपली आपने ये लेना है या आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें अभी, या आप गूगल पे भी ये आपको पिक मिल जाएगी। तो आपने ये अपने पास रख रख लेना है, अगर कोई पोस्ट बनाते हो आपके पास इसका आपकी आपको इसकी जरूरत पड़ेगी। तो जैसे ये देखिए ये है, अब मैं आपको बताती हूँ कि आपने इसका यूज कैसे करना है। यहाँ से हम लेंगे कि आपको सर्च करने की जरूरत नहीं है, यहाँ से आल करें, यहीं मिल जाती हैं। जैसे कि देखिए ये है, इसको हम कर देते हैं वाइट और इसकी बाउंड्री कर देते हैं ब्लैक, थोड़ी सी बड़ी कर देते हैं ताकि ये प्रॉपर है। तो ये देखें जैसे कि ये है एक मैंने ले लिया। अब मैं आपको बताऊंगी इसका यूज़। आपने एक ट्राइंगल लेना है और इसको ऐसे सेंटर में रख देना है, इसी सर्कल के आपने ऐसे डिफरेंट आपने रख देना। ओके ओके हो गया। और अब आपने इसके तीन जो इसके कोने हैं वहां पे आपने देखना है कि कौन कौन से कलर है, येलो पर्पल ब्लू। आपने एक पोस्ट में ये तीन कलर यूज कर लेने, ठीक है। और ये काफी अच्छा कॉम्बिनेशन है, देखिए लाइट भी है डार्क भी है, उससे ये तीन कलर भी आपको मिल रहे हैं एक पोस्ट के लिए। तो आप इस तरह करके कलर आपने यूज कर लेना है ये। और आप इसके कलर ये देखें, आपने इसको घुमाना है और ये देखें नेक्स्ट कलर आ गया, ब्लू आ गया, ग्रीन आ गया, और ये लाइट ऑरेंज की तरह का आप डिफरेंट ये है। और आपको ये मिल भी जाएंगे कैनवा पे, आपको मिल जाएंगे। आपने बल्कि ऐसे करना है कि ये वाली शेप आपने रख लेनी है पीछे अपनी पोस्ट में और इसको छुपा बैक कर देना, और आपके पास के सारे कलर आ जाएंगे ऐसे। अगर नहीं भी आ रहे तो आपने ये देखे यहाँ पे आपको हर शेड आपको बना सकते हैं आप सिंपल से। आपने यहाँ पे सब कुछ ऐड कर, यहाँ पे आ रही है, मैंने इसको ये तो आपको समझाने के लिए किया है। ओके, तो इस तरह आप इसको करके घुमाएंगे और आपको हर तरह के कलर आप चार तीन तीन कलर आपको मिल जाएंगे। आपने उसके तीन कोनों पे देखने और आपको तीन तीन कलर मिल जाएंगे और आपने यूज़ कर लेने हैं। इसके अलावा अगर आप किसी पोस्ट में चार कलर यूज़ करते हो तो आपको आ जाएंगे। आप इसके अपने कोनों पर देखना है ग्रीन ब्लू ऑरेंज और ये पर्पल, आपके पास ये चार कलर आ गए। और आपने आप इसको राउंड करना है और आपके पास डिफरेंट चार कलर आते रहेंगे, जैसे ये पर्पल ब्लू है, इन दोनों का शेड आ जाएगा मिलके ऊपर दोनों का शेड। आपने ऐसे करके यूज कर लेना, आपको कलर्स की पहचान हो जाएगी आपने कौन कहाँ पे कौन सा कलर यूज करना है। तो ये एक सिंपल सी ट्रिक थी जो मैंने कहा कि आपको बता दूँ। फोन भी मैंने बताया कि फोन को यूज करने है और आप सारा आपको बैकग्राउंड भी पता हो कि आपने क्या यूज करना है। इसके अलावा आपको बैकग्राउंड कैनवा भी बहुत ही अच्छे से अच्छे आपको अवेलेबल हो जाते हैं यहाँ डिफरेंट कलर्स में। देखें मैं इसको बड़ा कर देती हूँ ताकि आपको पता चले, पीछे वाला तो हो गया। अब मैं आपको बता रही हूँ कि आप यहाँ पे डिफरेंट भी अगर आप हैं जिसमें कंट्रास्ट है तो आप यहाँ पे लाइट टेक्स्ट यूज कर लें, लाइट कलर यूज कर लें, यहाँ पे डार्क कर लें, इस पर वाइट अच्छा लगेगा, रेड अच्छा लगेगा। और ये देखें ऐसे ये वाला भी यूज़ कर सकते हैं अगर आपने एक नहीं करना। इसके अलावा इसमें और भी बैकग्राउंड है, आप बैकग्राउंड भी एलिमेंट्स में सर्च कर सकते हैं और आपको वो भी अच्छे से बैकग्राउंड मिल जाएंगे अपने फोन के लिए। तो आपने बस फोन देखना है कि आप उसके ऊपर क्या यूज़ करें। तो ये देखिए मैंने एक दूसरी पिक ले लिया मैंने गूगल से, और ये देखिए आप ऐसे गूगल पे सर्च कर ले, अपने साथ साथ ही सर्च कर ले करें कि कौन सा कंट्रास्ट चल रहा है, कौन से पे किस पे क्या अच्छा लगेगा, डार्क लगेगा, तो आप यूज़ कर लेंगे। तो ये था आज का लेक्चर, उम्मीद है आप लोगों को समझ आ गई होगी। और आपको अगर कुछ नहीं समझ आए तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तब तक के लिए इतना ही, आप अपना ख्याल रखिएगा।